हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिस रॉस की जो हांडी बेस है ना, इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी दराज से, जिसके अंदर ये 6 हैं और नंबर आप देख लें, सारे नंबर जो ऑलमोस्ट सारी स्किन टाइप्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग इन्होंने दिए हुए हैं 6। और ये मैंने खरीदा था दराज से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये अभी तक मैंने यूज नहीं की, सिर्फ ओपन की है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये बेस कैसी हैं, आपको परचेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इतने ज्यादा डार्क सर्कल्स, कुछ एक्ने के निशान वगैरह जो हैं, ये तो चलता ही रहता है। जैसे कोई फंक्शन आता है तो ऐसे लगता है कि इनको कोई इन्वाइट कर देता है कि फौरन से आप हमारे फेस पे आ जाए। अच्छा, इसकी आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इस पे मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है कि अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो तो वो एक रात में किस तरह से खत्म हो जाती है और उसके निशान 1 से 2 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, ठीक है? तो वो भी देख लीजिएगा। अभी चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताई, मिस रॉस की ये हांडी बेस है जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदी थी दराज से, आई थिंक 450 की या 550 की, मुझे याद नहीं है। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेते हैं, मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें ऐड की है, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, सनब्लॉक, हाइलाइटर, और भी एक दो चीजें हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो गर्मियां या सर्दियां आप ये हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, ये प्राइमर हाइलाइटर जो भी बोलें ये यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे इसकी वीडियो नहीं मिल रही, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करती हूँ, अदरवाइज आप टाइप करके भी ये वीडियो जो है देख सकते हैं। हमने अपनी स्किन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। बातें कम करते हैं, जल्दी जल्दी से काम करते हैं। अच्छा जी, ये सिंपल आपने ये प्राइमर जो है ये अप्लाई करके आपने ऐसे ऐसे करना है अपने फेस पे, इसका मसाज 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह। ये बेस है, इसमें से जो मेरी शेड है मैं वो अप्लाई करूंगी। पहले मैं आप लोगों को शेड बता दूं इसका, ये है FS 45। देखिये, जब मैंने ये परचेज की थी तो इनका साइज वहां पे तो बड़ा दिख रहा था, लेकिन जब ये मेरे पास आई तो मुझे खुश शर्म आ रही थी कि ये बेस है। खैर छोड़े, अगर अच्छी हुई तो कोई मायने नहीं रखता कि इनकी पैकेजिंग कम है या ये छोटी छोटी पैकेजिंग है, अगर अच्छी हुई तो ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। FS 45 है जो कि मेरी स्किन टोन के साथ मैच करता है। उसके बाद है ये F1 जो कि मेरी स्किन से थोड़ा सा लाइट होगा, और उसके बाद है FS 38 जो कि मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क होगा, मतलब डार्क सर्कल्स पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है। उसके बाद है FS 36, तो ये मेरी स्किन से बहुत ज्यादा ही डार्क है, मतलब मैं कंट्रोल करने के लिए ये शेड यूज कर सकती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को इनके स्वेचेस में दिखाती हूँ। ये आइवरी है, आइवरी भी मेरे कलर पे चला जाता है जो मेरी स्किन टोन है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम कौन सा बेस यूज करें, आपकी स्किन के जैसी हमारी स्किन है, तो मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ। ये देखें जी, आइवरी मेरी स्किन पे जाता है और ये भी आइवरी, इन्होंने 2 आइवरी दी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम ये FS 36 ये अप्लाई करते हैं जी अपने डार्क सर्कल्स पे। ये देख लें, दिख रहा होगा आपको कितना डार्क है ये शेड। अच्छा टेक्चर इसका क्रीमी टेक्चर है, बहुत जबरदस्त सा टेक्चर है, देखें। अच्छा जी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने डार्क सर्कल्स पर, देखते हैं कि ये वाकई वर्क करता है कि नहीं। क्योंकि हमेशा डार्क सर्कल्स पे डार्क शेड अप्लाई किया जाता है। अभी दूसरी साइड पे। अच्छा, जो गर्ल्स मुझे पूछती हैं कि हमारी जो बेस है वो डार्क हो जाती है, डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़ी देर बाद ग्रे होना शुरू हो जाते हैं अगर हम कोई भी बेस अप्लाई करते हैं, उसकी रीजन एक तो ये होती है कि या तो आपकी बेस जो है वो ओरिजिनल नहीं है। अगर ओरिजिनल है तो फिर उसका मसला ये है कि आपने अपनी शेड से एक कलर लाइट लिया, बहुत ही लाइट ले लिया कि वो थोड़ी देर के बाद ग्रे होना शुरू हो गया है। तो प्लीज अपने हाथों पे, जब आप बेस लेने जाते हैं हाथों पे यहाँ ना अप्लाई किया। आप देख ले, मेरे हाथ जो है मेरे फेस से ज्यादा व्हाइट है। अगर मैं यही बेस जो है, फॉर एग्जाम्पल ये देखे, मैं यहाँ अप्लाई करूंगी ना, ये पिंक पिंक सी ऑरेंज सी शेड दे रही है।
अगर यही मैं अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करूंगी वो डिफरेंट शेड देगा। तो अपने हाथों पे इनको नहीं अप्लाई किया करें, थोड़ा सा फेस की इस जगह पे अप्लाई कर लिया करें इस जगह पे, लेकिन हाथों पे अप्लाई करके कभी भी बेस आप ना खरीदा करें। चले जी, ये हमारी हो गई कंसीलर। FS 45 पे ही जाऊंगी, इसको मैं अप्लाई कर लूंगी इस तरह से। अच्छा जी, ज्यादा क्वांटिटी में मत अप्लाई कीजिएगा क्योंकि फिर उसकी ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल से होती है। उतनी अप्लाई करें जितनी आपकी स्किन को जरूरत है। चलें जी, ऐसे डॉट डॉट करके। ये उन लोगों के लिए, बिगनर्स जो है ना, उन लोगों के लिए अच्छी बेस है। शुरू शुरू में बेस बनाने के लिए इतनी महंगी बेस ना खरीदें, यही बेस जो है इसके साथ ट्राई कर लें। अच्छा, नेक पे नहीं अप्लाई कर रही क्योंकि मुझे साथ ही दूसरी वीडियो बनानी होती है, इस वजह से मैं नेक पे नहीं लगाती। लेकिन आप लोगों ने नेक के ऊपर लाजमी अप्लाई करनी है, और कानों को भी नहीं भूलना, वो भी आपके अपने ही है, उन पे भी अप्लाई किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे हो गई ये अप्लाई। उसके बाद आपने फिंगर से इसकी ब्लेंडिंग, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी बेस अच्छी बने, तो आपने पहले फिंगर से इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अगर आप इस तरह की हांडी बेस कोई भी यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको फिंगर लाजमी इस तरह से, जबकि जब हम ट्रायल ऑन टीवी पेंट स्टिक की बात करें तो वहां पे जब यूज करते हैं ना थोड़ी देर बाद, वो लाइट वेट नहीं, आपके फेस के ऊपर अच्छा खासा मेकअप फील होता है, तो ये बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा। अच्छा चलें जी, अब बातें कम करते हैं, अब बताती हूँ। आपने लेना है इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर, कोई सा भी, ये देख लें जी, मैंने वेट पानी के अंदर उसको डबो के रखा हुआ था पहले से। आपने कर लेना है इसको वेट इस तरह से, ये गर्मियों के लिए स्पेशल। जिस तरह से मैं बाकी बेस बनाती हूँ उसी तरह से मैं इसको भी सेट करूंगी। अब आपने इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, आप कोई भी स्पंज जो है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना हाथ जो है वो इतना ही सॉफ्ट, बस ऐसे ऐसे डैप डैप करके आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। इजीली ब्लेंड हो जाएगी। मैं लूज पाउडर यूज करूंगी, आपके पास जो भी लूज पाउडर है आप यूज कर सकते हैं, ये F1 में है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने लूज पाउडर यूज नहीं करना, इसको स्किप कर दें। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जी भर भर के इसको यूज करें, ताकि आपकी जो बेस है वो सेट हो जाए, या तो ब्रश की हेल्प से या इस तरह के स्पंज की हेल्प से आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे इस तरह से। एक से दो मिनट के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है आपकी स्किन के ऊपर वो इसके अंदर ये एडजस्ट कर लेगा अपने अंदर। उसके बाद जो है आप ब्रश की हेल्प से इसे ना, और उससे अपने बेस को इस तरह से कर लेना, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो उतर जाएगा आपकी स्किन के ऊपर से, और जितनी आपकी स्किन को जरूरत है वो उतना ही रह जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। ये डरना नहीं है, थोड़ी देर के बाद जो है आपकी स्किन खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अभी आपको बहुत ज्यादा व्हाइट लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद जो है वो सेट हो जाएगा। आपने इस तरह से पूरे फेस के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है वो आपने उतार लेना। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है ब्लश ऑन। आप कोई सा भी ब्लश ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रीम वाला ब्लश ऑन जो है ड्राई स्किन के लोग यूज करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने पाउडर वाला ब्लश ऑन यूज करना है। यहाँ पे मैं डिटेल में इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि बाद में फिर कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन आएगा। ये देखिए जी, अच्छा गर्मियों के लिए जो है आप ज्यादा जो है पिंक शेड में ना जाया करें, थोड़ा पीच पीच शेड जो है उसको यूज किया करें, तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल और खूबसूरत लगता है। ड्राई स्किन के लोग पाउडर वाला यूज ना करें क्योंकि उनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन है, तो वो बहुत ज्यादा उनका जो फेस है वो ड्राई ड्राई हो। हाइलाइटर है, इसका शेड है 08, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। आपने क्या करना है, अपने ब्रश को कर लेना है वेट इस तरह से, गर्मियों के लिए खासकर। वैसे तो आप सर्दियों में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है आपका। ये देखिए जी, इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर लें, जो जो एरियाज आप हाईलाइट करना चाहते हैं वहां पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है इस तरह से, सिंपल तरीके से। आपने ज्यादा भर भर के गर्मियों में नहीं लगाया करें, उसकी रीजन ये है कि
ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके अंदर जाके एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। उतना ही मेकअप किया करें गर्मियों में जितना फेस को ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इसको सेट किस तरह से करना है, फिंगर से इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि गर्मियों में जब वो किसी भी फंक्शन पे जाती हैं तो उनका मस्कारा जो है वो गिर रहा होता है, यानी वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं होता तो उनका मस्कारा जो है वो ख़राब हो रहा होता है, वो टपक रहा होता है पसीने के साथ। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छा मस्कारा आप लोगों को बताती हूँ, एसेंस का ये मस्कारा है। यकीन माने मैं डबल टाइम जो क्लिंस करती हूँ उसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आई लैशेज में कुछ ना कुछ रह जाता है ये मस्कारा। और आप कुछ भी कर लो, जितनी दुबई में गर्मी होती है ना, मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होती होगी, और इस गर्मी में भी ये मस्कारा टिका रहता है मेरी आई लैशेज पे। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि थोड़ी देर बाद जो है वो पसीने के साथ उतर आओ, नहीं। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो ये वाला ब्लैक कलर में जो है एसेंस का ये मस्कारा और वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त देता है, लैशेज को बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, नहीं तो आप किसी भी मेकअप स्टोर से जाके ये परचेस कर सकते हैं। लेकिन कितनी सॉफ्ट सा मेकअप, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त सा लग रहा है, मुझे तो पसंद है। बाकी जो लोग हैं जिनको डार्क लिपस्टिक पसंद है वो डार्क भी कर सकते हैं। ये लिपस्टिक का लिंक जो है, बहुत सारी गर्ल्स मुझे पूछ रही थी कि इसका लिंक दे दे लिपस्टिक का, तो जनाब जी ये मैं लोकल मार्केट से परचेज की इसलिए मैं आपको लिंक नहीं दे सकती, लिपस्टिक दिखा देती हूँ। ये है जी लिप ग्लॉस के नाम से है, स्वीट रोज की लिपस्टिक है और नंबर जो है 08। तो माजरत है इसका लिंक वगैरह नहीं है, ये मैंने नॉर्मल जो मार्केट होती है वहाँ से बाय की है, शायद आप लोगों को भी मिल जाए तो चेक कर लें, इस तरह की पैकेजिंग है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। हाँ, एक्ने की जो वीडियो वो नेक्स्ट होगी इंशाल्लाह, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ, बाय बाय।